अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो एफएससी पार्ट सेकंड का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। सो चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। सो आज की हमारी जो बेसिक वीडियो है वो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनइक्वालिटीज का और इक्वलिटीज़ का, क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। अब तक हम इक्वलिटीज़ पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका एक तकाबली से जायज़ा लेंगे कि हम किस तरह से कोई टर्म या एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल हो सकता है, मीन्स इक्वलिटी होता है, या फिर वो होता है इनइक्वलिटी, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास होगा, हम साइंस डिस्कस करेंगे कि इक्वलिटी के क्या साइन होते हैं और इनइक्वलिटी की क्या क्या कंडीशंस पे कौन कौन से साइंस अप्लाई हो सकते हैं। और देन फिर हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स और ग्राफिकल एक्सप्रेशंस और ग्राफिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर मौजूम फैज। सो आज की इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंस के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनइक्वलिटीज और इक्वलिटीज को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी। अब कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल कब होंगे? तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं ना, लाइक हमारे पास एक साइन है, हम इसको पढ़ते होते हैं, बहुत कॉमन सा है, विच इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है, राइट। हम इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, विच इज अ सिंपल फॉर्मूला जो है, ठीक है। अल्टीमेटली कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि बेटा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल आती है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो आइदर इट इज अ कंडीशनल सेंटेंस या इक्वलिटी आइडेंटिटी, तो बट अगर इक्वल का साइन आ गया तो हमारे पास वो क्या होगा? वो होगा इक्वलिटी, राइट। लेकिन अब हम आते हैं इनइक्वलिटीज की तरफ। इनइक्वलिटीज किस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं? इनइक्वलिटीज, अब इनइक्वलिटीज मेरा बेटा क्या होगा? देखिए इनइक्वलिटीज में क्या होगा, इनइक्वलिटीज में हम कुछ ऐसे साइन अप्लाई कर सकते हैं जो इक्वलिटी को शो नहीं कर सकते, मतलब चीज़ों को इक्वल बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। किस तरह से? मैं ये कहता हूँ कि मेरे हाथ में एक डस्टर और पॉइंटर है और दूसरे हाथ में एक सिंगल पॉइंटर है। तो मैं कहता हूँ ये जो है ना, ये वाला हाथ ये ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है बनिस्बत इसके। सो आई एम नॉट क्वान्टिफाइंग कि कितना वेट ज़्यादा कैरी कर रहा है कितना कम कर रहा है, बट आई एम जस्ट डीलिंग के ये जो है ये ज़्यादा वेट कैरी कर रहा है ये वाला हाथ, तो इसलिए ये जो है ये इस पर ज़्यादा वेट है, इस पर कम वेट है, ठीक है। सेम टाइम में हम ये कह सकते हैं कि जो टू इज ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट, ठीक है। हम कहते हैं टू ज़ीरो से बड़ा है, सो इट मीन्स कि हम एक अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, हम एक कंडीशन बता रहे हैं कि ये बड़ा है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, यहाँ तो हमें आइडिया हो रहा है। लेकिन हम ये कहते हैं टेबल is heavier than chair, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं आ रही, कोई बैलेंस नहीं बता रहा कि भाई जो टेबल है वो टू टाइम हैवियर है, थ्री टाइम हैवियर है देन चेयर, बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि दिस इज हैवियर देन दिस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जब भी हम इस तरह के लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे, आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम इसमें ऐसे ही लॉजिक्स डिस्कस करेंगे, जब भी हम इस तरह के लॉजिक जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे तो हमारे पास कुछ बेसिक साइंस होंगे, ठीक है। और साइंस किस तरह से शो कर रहे होंगे, किस तरह से उनका बिहेवियर होगा, आइए उसको हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ साइंस शो हो रहे हैं, ठीक है। देखिए ये साइन डिफरेंट है, लाइक लेस देन के हैं, ग्रेटर देन के हैं, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड इन इक्वल टू, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो 7 है इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है, 7 9 के इक्वल नहीं है, विच इज ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक है। तो मतलब एक स्टेटमेंट हमारी इस तरह से बन सकती है। देखिए इक्वलिटी को हम इक्वलिटी को यूज नहीं करना, उसके अलावा हम कुछ साइंस और हमने डेवलप किए हैं, हमने उसको यूज करना है। देखिए पहला साइन है लेस देन का, ओके, सो हम इस तरह से लिख रहे होते हैं तो हमारे पास ये पहला साइन क्या है, ये है लेस देन का, ठीक है, मीन्स 7 इज लेस देन 9, राइट। अच्छा दूसरा हमारे पास साइन क्या है, दूसरा हमारे पास साइन है ग्रेटर देन का, हम ये कहते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। सो थर्ड हमारे पास है लेस देन एंड इक्वल टू। अब देखिए ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, देखिए हम
जब वेरिएबल्स के अंदर बात कर रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि जो 7x है वो किसके इक्वल हो सकता है, वो इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14 हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो ये 7 into 2, ये दिस इज 14 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14। इट मीन्स दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ग्रेटर देन हो सकती है या इक्वल टू, मतलब इक्वल भी हो सकता है ये फॉर्मेट, या इससे बड़ा भी हो सकता है। अब देखिए 7 into 3 हो जाएगा, तो ये 21 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14। अब ग्रेटर देन हो गया, मतलब अब पहले देखिए कि हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली थी, अब जब 3 पुट करते हैं तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये साइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, और सेम टाइम में एक और हमारे पास साइन है वो है ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, राइट। और फिफ्थ हमारे पास क्या है, फिफ्थ हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ठीक है, इन साइंस को हम पढ़ते किस तरह से है, पहला हमारे पास होगा लेस देन एंड इक्वल टू, व्हिच इज देयर लेस देन, ठीक है, इसमें कोई इक्वलिटी नहीं आएगी। ये क्या होगा, ग्रेटर देन, अच्छा ये हमारे पास क्या होगा, देखिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सो इसको हम कंप्लीटली इस तरह पढ़ेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास ये वाला साइन है, इस साइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, राइट। और ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, 7 is not equal to 9। ठीक हो गया, आई होप कि आपको साइंस का समझ लग गया होगा। फर्दर हम क्वेश्चंस में जब हम साइंस को अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम इन साइंस के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। अभी हमारे पास एज ए इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, राइट। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल्स किस तरह से हो सकती हैं। देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है एक्स विच इज ग्रेटर देन 3/2, रेंडमली मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा एक्स जो 3/2 से हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है, हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सेम टाइम में देखिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस वन जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू हम रख लेते हैं कि वो है 10, ठीक है। बट द सेम टाइम वट वी कैन ऐड, हम अगर इसमें इनइक्वलिटी शामिल कर रहे होते हैं, देखिए हम ये कहते हैं कि एक्स प्लस वन जो है वो इक्वल टू 10 है, ठीक है। अब मैं इनइक्वलिटी के सेंस में किस तरह से बात करूंगा, मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ एक्स प्लस वन जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 होगा। मीन्स कि मैं एक्स की ऐसी वैल्यूज अप्लाई करूंगा, ठीक है, कि एक्स की जो वैल्यू है जितनी भी वैल्यूज अप्लाई करूँ इस सिस्टम के अंदर जब मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इट मीन्स कि मेरे पास ये कंडीशन को मैंने फॉलो करना है। ओके, तो यहां से हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात, यहां पे एक्स की कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक ऐसी वैल्यू होगी कि जिसके पुट करने से जो इस पूरे एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। लाइक मतलब मैं अगर यहाँ पे 9 पुट करता हूँ, 9 + 1 = 10। बट द सेम टाइम ये कौन सा सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर मुझे पुट करना है, लाइक मुझे 10 बनाना है, ठीक है, और 10 से ग्रेटर वैल्यूज बनानी है, 10 से लेस नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन में पुट करूंगा 9 + 1 = 10, पहला हो गया, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, ये जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, बिकॉज सेकेंड कंडीशन जो है इक्वल टू वाली वो यहाँ से फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे अगर 8 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर 9 आएगा। देखिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ ताकि हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लें, 8 + 1 = 9। अब देखिए ये कंडीशन जो है कभी भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 नहीं हो सकती, क्योंकि 9 < 10 है, ठीक है। अब मैं फर्दर वैल्यूज पुट करता हूँ, देखिए मैं अगर यहाँ पे 10 पुट कर लूँ, अब देखिए इक्वल टू वाली कंडीशन ही यूज करेंगे हम, ग्रेटर देन वाली करेंगे, 11 is greater than, देखिए 11 आते हैं ग्रेटर देन सॉरी 10, राइट। तो सेम टाइम में इट मीन्स कि जब मैं कंडीशनल सेंटेंसेस बात कर रहा था इक्वलिटी में तो मेरे पास सिर्फ एक आंसर था,
लेकिन जब हम इनइक्वालिटी की सेंस में बात कर रहे होते हैं, जो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन हमने जो बहुत सी सिंपल सा है, x प्लस वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, इसके आंसर देखिए 9 से ये ऑनवर्ड्स चलते जाएंगे, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि इस इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 9, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन होगा, जैसे हम जनरली एक सेट डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि बेटा जी देखिए, जो इनइक्वालिटी है उसके आंसर कोई एक नहीं हो सकता, ठीक है, उसके आंसर एक पूरे के पूरे गैप के अंदर होंगे। अब देखिए इस ये कौन सा गैप है, ये गैप ऐसा है कि यहाँ पे जो आंसर है वो 9 है, ठीक है, सॉरी 9 है, 10 है, 11 है, एंड अप टू सो ऑन, बिकॉज मेरी कंडीशन मुझे रिजर्व नहीं कर रही कि एक आंसर दे, वो कह रहा है कि इससे ग्रेटर होने चाहिए, तो इससे ग्रेटर जितने मर्जी हो जाएं हम उसको कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो अभी हम कुछ और एग्जांपल्स को एक और वे में सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, अच्छा, नंबर लाइन से आप लोग फेमिलियर होंगे, नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है, सिंपली मैं आपको बताऊं, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे हम सारे के सारे नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, राइट। देखिए, दिस इज द जीरो, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 4 एंड अप टू सो ऑन, ये जा रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास किस तरह से होंगे, नेगेटिव नंबर, राइट। अच्छा, ये नेगेटिव नंबर्स हैं। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है, देखिए हमारे पास वही पिछली कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 आ रहा था, ठीक है। अब इस वैल्यू इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर बन रहे होंगे वो ये थे कि 9 से ग्रेटर, तो अगर मैं इस नंबर लाइन को और एक्सटेंड करता हूँ और समहाउ यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 11 एंड अप टू सो ऑन, तो मेरे पास जो आंसर होंगे वो किस तरह के बन रहे होंगे, वो मेरे पास आंसर होंगे ये वाली नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन यहाँ से आगे शो कर रही है ना, ये मेरे पास सारे के सारे, मैं इसको ब्लू हाईलाइट कर देता हूँ, देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो मुझे शो कर आ रहे होंगे कि इसके ऊपर x प्लस वन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। सो एक्सप्रेशन हमारे पास एक और बन गया, हम सिंपली पहले क्या लिख सकते थे, हम पहले उसको सेट में लिख सकते थे आंसर, अब हमने नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है ग्राफिकल वे में, ठीक है। देखिए ग्राफ किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, मैं एक ही एग्जांपल लेके कोट कर रहा हूँ, ठीक है, फर्दर हम दो एक ही एग्जांपल के दो पार्ट्स होंगे हमारे पास, एक्स और वाई, तो वो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है, और फर्दर हम उसको और बढ़ाते जाएंगे। ओके, सो हमारे पास ये देखिए, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट, तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज हो रही होंगी, ठीक है। सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज होंगी, तो देखिए ये वही नंबर लाइन ही दोबारा रिप्रेजेंट होगी, हम इस नंबर लाइन को उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये वाला होगा, ठीक है। सो जब भी हम लीनियरली बात कर रहे होंगे एक एक ही क्वेश्चन की, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नंबर लाइन ही दोबारा रिप्रेजेंट हो रही होगी, बिकॉज ये ऑल्सो एक एक्स एक्सिस है। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पर ये देखिए, ये मैं इसको वाई एक्सिस भी डिवेलप कर दूँ, तो ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट दोबारा बन गया हमारे पास, ठीक है। सो आई होप कि आपको इनइक्वालिटीज की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गई होंगी। हमने एग्जांपल्स ली, हमने डिफरेंस देखा कि इक्वलिटी और इनइक्वालिटी का क्या डिफरेंस होता है, हमने इसके अलावा हमने कुछ बेसिक साइंस पे डिस्कस किया कि जो इनइक्वालिटी है उसके साइंस किस तरह से हो सकते हैं, उसके अलावा हमने साइंस को याद किया, देन हमने कुछ साइंस अप्लाई किए और हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए। हमने एक एग्जांपल ली, हमें पता चला कि जो इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी का तो एक आंसर बन सकता है, बट इनइक्वलिटी का एक राउंड ऑफ एग्जाम्पल, मतलब राउंड ऑफ, या हम उसको एक पैच में बैक, मतलब ब्लॉक कर सकते हैं उसके आंसर्स को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक्स की एक वैल्यू है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, तो लेकिन वो लेस देन एंड इक्वल टू 15 है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, चले ये एक्स प्लस वन अगेन वही लिख लेते हैं, मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, किस तरह से, मैं इसको ये ब्लॉक कर रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो 15 से लेस होगी, ठीक है। देखिए 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन 10, सो इट मीन्स के ये 10 से बड़ी होगी और 15 से जो है वो छोटी रहेगी, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर बन रहे होंगे वो किस तरह से बनेंगे, तो
तो यहाँ पे मैं 9 पुट करूंगा, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10, विच कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, इसको और जस्टिफाई अगर करना चाहे तो हर आंसर जो होगा हमारा, हमारे पास जो हर आंसर होगा, हम उसको कहाँ पुट करेंगे, हम उसको पुट करेंगे अपने सिस्टम के अंदर। लाइक कैसे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ और मैं सिस्टम के अंदर पुट करता जाता हूँ। देखिए 10 आया, इट मीन्स कि 15, मैं इसको एज इट इज ऐसे ही राइट कर रहा हूँ, 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, 10 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन द आंसर इज करेक्ट। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया 10, दूसरा 11 आ रहा है, इट मीन 11 भी 15 से छोटा है और 10 से बड़ा है। अगला क्या है, 12 इज ऑल्सो 10 से ग्रेटर है और 15 से स्मॉलर है, 13 भी अप्लाई हो सकता है, 14 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है, इट मीन्स कि 15 खुद भी इंक्लूड होगा, सो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 15 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। सो देखिए ये हमारे पास आंसर बन गए, और हमारे पास जो आंसर वाला सेट होगा वो कौन सा होगा, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब इस आंसर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन, हम वापस नंबर लाइन पे आते हैं, 11, 12, 13, 14 एंड 15। सो हमारे पास जो आंसर होंगे वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे, वो हमारे पास आंसर होंगे 9 to 14, ठीक है। देखिए 14 पुट किया था तो हमारे पास 14 प्लस 1 इज 15 आया था, ठीक है। सो 14 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया, तो 9 टू 14 जो है ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आंसर बन गया, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने उसको, उतने नंबर्स को, उतने गैप्स को हमने हाईलाइट कर दिए, राइट। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो इस वीडियो से हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनइक्वालिटीज को समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।